आज मैं लर्निंग डिजेबिलिटीज को 5 मिनट में तुम्हें समझाऊंगा और यहां से 2 नंबर तुम लिख कर ले लो। हर सीटेट की शिफ्ट के अंदर आएंगे, तो क्यों ना 5 मिनट के अंदर 2 या 3 नंबर अपने पक्के कर लिए जाएं। बैक टू स्कूल चैनल देख रहे हो और मैं पूरा एक्साइटेड हूं इस वीडियो को लेकर, क्योंकि 2 नंबर आपकी झोली में यह वीडियो देकर जाएगी। मैं आपको बताऊंगा लर्निंग डिजेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग डिजेबिलिटीज कई तरीके की होती हैं, और जैसे कि पठन अक्षमता, रीडिंग डिजेबिलिटी, राइटिंग डिजेबिलिटी, एक्सप्रेसिव डिजेबिलिटीज और मैथमेटिकल डिजेबिलिटीज। और यहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का है। लास्ट टाइम में वो चीजें पढ़ो जहां से आपके नंबर आए, बाकी चीजों को छोड़ दो। तो ये वीडियो पूरी देखनी है। नए स्टूडेंट हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो, तो प्यार बांटने से बढ़ता है। लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन करो और वीडियोस को देखो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी को हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र में हमारे विकार आ जाता है, मस्तिष्क और हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच कनेक्शन में दिक्कत आ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए लर्निंग डिसेबिलिटीज के किस टाइप की होती हैं, किस टाइप के विकार होते हैं, तो ये सभी तंत्रिका तंत्र में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं हमारे। जिस भी बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, वो दिखने में तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन उसे सीखते वक्त दिक्कतें होंगी। यानी दिखने में बिल्कुल फिट, लेकिन सीखते हुए दिक्कत होगी। यानी ऐसे बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न एनीथिंग। जीवन भर जो है लर्निंग डिसेबिलिटी चलेगी। कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई बच्चा ग्रस्त हो जाता है, तो पूरे जीवन भर जो है उसे वो दिक्कत रहेगी। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसे ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जन्म के साथ ही ये विकार आ जाते हैं। यानी कि ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये जन्म के समय ही जो है बच्चों के अंदर आ जाते हैं। तो क्लैरिटी हुई कि जो बच्चा सीखने में दिक्कतें फेस करेगा, वो होगा अधिगम निर्योग्य बच्चा, या फिर कहें लर्निंग डिजेबल बच्चा। अब इसको कई कैटेगरीज में बांटा हुआ है। अगर हम टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज को देखें, तो हमने 4 कैटेगरीज में जो है बांटा है, जो आपके एग्जाम में आएंगी। सबसे पहली है पठन अक्षमता, यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटी। ऐसे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। दूसरी है लेखन अक्षमता, यानी कि राइटिंग डिसेबिलिटी। ऐसे बच्चों को लिखने में दिक्कतें होती है। तीसरी है भावबोधक अक्षमता, यानी कि ऐसे बच्चों को अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करने में दिक्कत होती है, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, इनको एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटीज बोलते हैं। और चौथी है अंक गणितीय अक्षमता, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको गणित की कैलकुलेशन करने में, गणित से रिलेटेड कार्य करने में दिक्कतें महसूस होती हैं। एक एक करके देख लेते हैं, 5 मिनट के अंदर नंबर अपने पक्के करके उठ जाते हैं। सबसे पहले देखिए रीडिंग डिसेबिलिटीज। पठन अक्षमता, यानी पठन अक्षमता का मतलब है पठन विकार। ऐसे बच्चे किसके अंदर जो है दिक्कत महसूस करेंगे, पढ़ने में कठिनाई। ऐसे बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होगी। अब जो ध्यान रखनी है वो ये बात है कि पढ़ने में जो डिफिकल्टी होती है वो 2 होती हैं। एक तो होती है डिसलेक्सिया, जहां पर बच्चा वाज को सा पढ़ता है, ठीक है, और दूसरी होती है अलेक्सिया। दूसरी कौन सी होती है? अलेक्सिया। अगर एग्जाम में दिया जाए पठन विकार कौन सा है, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या ए और बी दोनों, तो आंसर लगाना ए और बी दोनों। कहां पर हमें नंबर लेना है? डिसलेक्सिया तो सबको पता ही है, लेकिन अलेक्सिया भी रीडिंग डिसऑर्डर होती है, ये एक नंबर हमने पक्का कर लिया। ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों क्या है, हमारी रीडिंग डिसऑर्डर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राइटिंग डिसऑर्डर की तरफ। जो हमारी राइटिंग डिसेबिलिटीज होती हैं वो 3 होती हैं। ऐसे बच्चे लिखने में दिक्कतें महसूस करते हैं, किसमें, लिखने में, और ये 3 तरीके की होती हैं। देख लीजिए तीनों के नाम, डिसग्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, अग्रेफिया। अब एक और होती है, चौथी भी होती है, डिसग्राफिया। क्या? डिसग्राफिया। ये 4 आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर कोई सी भी दे दे नंबर नहीं कटना चाहिए। सिर्फ आपको डिसग्राफिया बताई जाती है, इसके अलावा 3 भी ध्यान रखना है, डिसग्राफिया, डिसग्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया और उसके साथ अग्रेफिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगली है आपकी एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटीज, जिसको भावबोधक अक्षमता भी बोला जाता है। ऐसे बच्चे अपने विचार प्रकट करने में जो है दिक्कतें महसूस करते हैं, ऐसे जैसे कि बोलने में तुतलाना या फिर हकलाना, तो ऐसे बच्चों को क्या दिक्कतें होंगी? एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, प्रेशर महसूस करता है, उसको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है? उसको भावबोधक अक्षमता है, उसे एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटीज है। और चौथी होती है अंकगणितीय क्षमता, जिसे मैथमेटिकल डिसऑर्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? मैथमेटिकल डिसएबिलिटी या फिर डिसऑर्डर, कुछ भी बोल सकते हैं। जो ये मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है, ऐसे बच्चे गणित के अंदर कमजोर होते हैं। बोलने में ठीक हैं, लिखने में ठीक हैं, दिखने में ठीक हैं, लेकिन मैथ करने में ऐसे बालक 16 दुनिया 8 होंगे, जीरो होंगे। ऐसे बच्चों को दो तरीके की डिसलेक्सिया मिल सकती है। एक तो वर्बल डिसलेक्सिया, कि उसे 3 लिखा हुआ 8 दिखता हो अंक गणित में, तो वर्बल डिसलेक्सिया, और ग्राफिकल डिसलेक्सिया। ये जो मैंने बताया कि 3 लिखा हुआ 8 दिखता हो, ये ग्राफिकल डिसलेक्सिया है। मन के अंदर कैलकुलेशन करके आंसर देने में दिक्कत है, तो वर्बल डिसकैलकुलिया है। तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर जो होगा वो होगा डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया तो होता है पठन विकार, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन करने में दिक्कतें। तो डिसकैलकुलिया दो तरीके का, एक वर्बल यानी कि मन मन में गणना करना और उत्तर देने में दिक्कत, और ग्राफिकल डिसकैलकुलिया यानी कि जो अंक लिखे हो वो ठीक से ना दिखना। तो यहां पर देखिए, आपको पता लगा कि पठन विकारों को 4 कैटेगरी में हमने बांटा। ये पठन विकार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, तंत्रिका तंत्र विकार होता है, सीखने में कठिनाई होती है, जीवन भर रहेंगे और जन्म के समय की साथ ही ये आ जाते हैं। 4 तरीके के होंगे, रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिव और मैथमेटिकल। जहां पर हमारा रीडिंग डिसेबिलिटी होंगी वहां पर डिसलेक्सिया और एलेक्सिया है, जहां पर राइटिंग डिसेबिलिटी होंगी वहां पर डिसग्रेजिया, डिसप्रेक्सिया, अग्रेफिया और डिसग्राफिया है, और जहां पर हमारी एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटी होंगी वहां पर तुतलाना और हकलाना है, और वर्बल डिसकैलकुलिया होता है, और ग्राफिकल डिसकैलकुलिया होता है। ये जो डिसकैलकुलिया है, इससे ग्रसित बच्चे गणित करने में बहुत सारी दिक्कतें महसूस करते हैं। तो ये जो वीडियो थी, इस वीडियो के अंदर हमने कम टाइम में ज्यादा चीजें की हैं। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, और प्यार बांटने से बढ़ता है। तो क्या करना है, अपने WhatsApp के ऊपर स्टेटस भी लगाना है। और हाँ, मैंने अपनी बैक टू स्कूल की जो BTS कनेक्टेड ऐप है उस पर प्राइस ड्रॉप कर दिया है। ओनली 400 में हमारी सीटेट ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज है, जाइए जल्दी से ले लीजिए। जिसको अंग्रेजी में लेनी है वो सीटेट बूस्टर सीरीज ले लो, जिसको हिंदी में लेनी है वो सीटेट ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज में जाओ। ओनली 400 रुपीज में 27 टेस्ट डाल चुका हूं हर सब्जेक्ट के, उसके अलावा आज रात को भी टेस्ट में डालने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, 400 रुपीज 2 महीने की वैलिडिटी के हिसाब से, यानी 1 महीने के सिर्फ 200 रुपए, ये नाम मात्र है। मेरा जो मेन एम है वो ये है कि आप लोग एग्जाम से पहले एग्जाम जैसे क्वेश्चंस करके जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दे दिया है, काफी सारे स्टूडेंट्स फायदा उठा रहे हैं। तो आप भी जाइए, टेस्ट सीरीज लीजिए, और अंतिम समय में अपने नंबरों के साथ जो है जस्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। जो वीडियो आपको चाहिए कमेंट करो, मिल जाएगी। टेक केयर। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में BTS कनेक्टेड ऐप है, टेस्ट सीरीज जल्दी से ज्वाइन कर लो, नामात्र पैसे में है, मौका नहीं चूकना है। सिर्फ ये लगा के चलो, 1 हफ्ते तक ही मैं ये 400 रुपीज रखूंगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट सीरियस हैं वो जुड़ ही जाएंगे तब तक। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।